नमस्कार, आप देख रहे हैं निक्स ट्रेन आवाज। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। 30 नवंबर को तेलंगाना के चुनाव होने वाले, ऐसे में सारी पार्टियां लगातार चुनाव प्रचार प्रसार में लगी। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आता है। आपको बता दें, अपने बयान पर अकबरुद्दीन ओवैसी पुलिसकर्मी पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि हैदराबाद के ललिता बाग में अकबरुद्दीन ओवैसी बयान दे रहे थे। इस बीच एक पुलिसकर्मी उनको आकर रोकता है और समय समाप्ति की घोषणा के बारे में बताता है। इस पर अकबरुद्दीन ओवैसी भड़कते हैं और उस पुलिसकर्मी को धमकी देने लगते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ललिता बाग में वो चुनाव प्रसार के लिए भाषण दे रहे थे। इस बीच पुलिसकर्मी ने जब उनको रोकने की कोशिश की तो अकबरुद्दीन ओवैसी ने सबसे ज्यादा धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया और इस बात का जो है जिक्र किया कि मुझे रोकने वाला कोई नहीं, कोई माय कलाल पैदा नहीं हुआ जो मुझे रोक सके। मैं अपना भाषण देकर जाऊंगा और अभी भी मेरे भाषण में 5 मिनट का वक्त बाकी है, मैं पूरा देकर जाऊंगा। अगर किसी में दम है तो मुझे रोक कर दिखा दे। इस बीच तमाम पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे, मगर किसी भी पुलिसकर्मी ने दोबारा से उनको रोकने की कोशिश नहीं की। ऐसे में उनका वीडियो जमकर वायरल हो रहा। क्या कुछ कहा ओवैसी के भाई ने, आप सुनिए जरा। आपको फिर चलिए चलिए सुना आपने। तो दर्शकों, इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से अकबरुद्दीन ओवैसी लगातार भाषण के बीच में धमकी भरी बातों का इस्तेमाल कर रहे और लगातार देश के अंदर अभ्रामक बातों को फैलाने का काम कर, चाहे एक तरफ देश में प्रधानमंत्री से लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता तेलंगाना के चुनाव प्रचार में लगे। ऐसे में ओवैसी के भाई तेलंगाना के चुनाव में भी प्रचार में लगे और वो लगातार अभ्रामक बातों का ऐलान कर, देश के अंदर चुनाव होने वाले और चुनाव के बीच में ओवैसी के भाई ऐसे अभारामक भाषण देते हैं तो कहीं ना कहीं देश की जनता के लिए चिंता की बात होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट ट्रेन आवाज़।